अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आया सर? हाँ, आया सर। ऐसा मत कीजिए, अचानक लाइट आ जाएगी तो अजीब लगेगा। मैं आर्या नहीं हूँ। बेफिक्र रहो जानवी, लाइट आएगी ही नहीं। तुम सोच रही होगी मैंने तो इस कमीने को पुलिस के हवाले कर दिया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया? यही सोच रही हो ना? जिसे तुमने रेस्ट करवाया था वो मैं नहीं था, वो तो बस एक प्यादा था जानवी, मेरा ही भेजा हुआ आदमी था। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूँ कि खुद आ जाऊंगा वहां? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अगर तुमने किसी से भी कहा कि यह हार मैंने लिया है, मैं कसम खा के कहता हूँ जानवी, आर्या के आन पर होने वाला अगला हमला जानलेवा होगा, समझी? ओहो, ये लाइट कैसे चली गई? आर्या को देना है ये। ओहो सुयश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये पता नहीं अंधेरे में किसी ने चटनी, पता नहीं केचप है, केचप गिरा दिया मेरी स्लीव्स पर, उसे साफ करने आया था यहाँ पर। मुझे दिखाओ मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, छुके हो जाएगा। ये तुम्हारे हाथ से कुछ गिर गया है? हाँ ये ना कियान लेके आया था आर्य को देने के लिए। ज्वाला, ये कियान की कस्टडी का लीगल नोटिस है जानवी जोशी के लिए। लगता है कियान ना गलती से कुछ और लेके आ गया, पर कस्टडी का लीगल नोटिस जानवी को कोई क्यों देगा? एक सेकंड। इसमें कुछ लिखा है, तुम्हारा कियान पे कोई हक नहीं है जानवी, वो मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। उधर जानवी और आर्या की शादी का संगीत चल रहा है, कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली, और ऐसे वक्त में इतना बड़ा सच सामने आना कि कियान जानवी का बेटा नहीं। हे भगवान, जानवी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? कुछ वाला, कुछ वाला, सब ठीक हो जाएगा। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके कियान का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया है। बर्थ सर्टिफिकेट से यह पता चलता है कियान का जन्म देहरादून की कोई प्रसून हॉस्पिटल में हुआ था। मैं हॉस्पिटल का नंबर निकलवाता हूँ, वहां से ये पता चल जाएगा कि कियान का बाप कौन है। हमारे सवाल का जवाब दो। हार कहाँ है? देखिए दादाजी, आपको ही ब्लडी भरोसा था ना इस जानवी पर कि ये हमारे नौला के हार का ध्यान रखेगी। रख लिया इसने ध्यान। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ ब्लडी गड़बड़ जरूर करेगी ये लड़की। तमीज से बात करो रैना। क्या? ये मत भूलो कि जानवी तुम्हारी भाभी है। उस पर इस तरह उंगली नहीं उठा सकती तुम। इस हॉल में कई सारे लोग हैं, लाइट चली गई थी, हो सकता है वो हार कहीं गिर गया हो, या ये काम किसी और का भी हो। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम मत लगाओ। पापा जी माफ कीजिएगा, लेकिन हम हर किस कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे। रुकिए, आपको भी हमारी बात पर यकीन हो जाएगा।
थिएटर जाकर सुकुमार जी को बुला कर लाए। अब वही आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह इस लड़की के भाई ने उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या? कहिए भाई साहब। असल में पुष्कर जी ने मुझे कहा कि उनका आपके परिवार से रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए वो मेरे बेटे को आपकी होटल में नौकरी दिलवा देंगे और इस एहसान के बदले उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये लिए। क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। सुना आपने पापा जी, और ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम इस लड़की पे भरोसा करें? अरे जिस लड़की का भाई, उसका सगा भाई, उसका खून हमारे साथ रिश्ता जुड़ने के बाद उस रिश्ते का यूं तो नाजायज फायदा उठाए, पर आप चाहते हैं कि हम इस पे शक ना करें। हमें तो लगता है कि इसका पूरा का पूरा खानदान ऐसा ही है। अरे जब इसका भाई इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, यूं मासूम लोगों को पैसे के लिए बेवकूफ बना सकता है, नौकरी का लालच देके उसे पैसे ऐड सकता है, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं पिताजी, तो वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें तो यही लगता है कि इस लड़की ने ही वो हार चुराया है और फिर उसे छुपा दिया है। नहीं। मेरी जान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जान ने मुझे सिखाया है चोरी करना पाप है, तो मेरी जान क्यों करेगी? जान ने ये भी सिखाया है हम लोग को दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा। तो फिर आप में गुड मैनर्स क्यों नहीं है? आप मेरी जान को क्यों रुला रहे हो? नहीं कियान, ऐसे मत बोलो, बड़ी है आपसे। बस देखा आप लोगों ने, इस लापरवाह लड़की के इस बदतमीज बच्चे को किस तरह से जुबान लड़ा रहा है हमारे साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।